माजी मुख्यमंत्री एयर सेंट्रल मिनिस्टर अजमेर के खासदार भूपेंद्र यादव पनवेल में। आदाब, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर एक प्रोग्राम में आए हुए मेहमान एमएलए राज पुरोहित, एमएलए महेश बल्दी, एमएलए योगेश सागर, एमएलए रवि सेठ पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कई मेहमानों के सामने आमदार प्रशांत ठाकुर ने अपने टीम के किए हुए काम समझाए। बेटा प्रयास करेगा भाजपा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उन लोगों को यहाँ पर मदद करने का अपनी ओर से प्रयास करता रहेगा। पर आज आपके यहाँ पर आने से इन हर एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, अन्य पदाधिकारी है, इन सभी लोगों को ताकत मिलेगी और ये ताकत लेकर ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा ऊंचा लहराने के लिए कोशिश करता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो यहाँ पर इस देश के प्रति उनके जो विचार है, इन विचारों को साकार करने के लिए आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरदम प्रयास करते रहेंगे। आप आए और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए हमें समय दिया। फिर एक बार हम सभी मंच पर उपस्थित सहयोगी की ओर से, सामने उपस्थित सहयोगी की ओर से, और चूंकि कोविड का समय है हम सभी को तो नहीं बुला पाए, यहाँ नजदीक के बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख तक हम आज गए हैं, पर सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारे कार्यकर्ता जो आज यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं की ओर से फिर एक बार आपको धन्यवाद देके यहाँ पर मेरा निवेदन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।